और आप देख रहे हैं एईजेड न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं बाराबंकी जनपद के अंतर्गत आने वाले चांदा मऊ गांव की, जहां पर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 26 अप्रैल को चुनाव होंगे। बाराबंकी जिले के चांदा गांव का हाल मजाना मैंने, और इस गांव में कितना विकास हुआ है, प्रधान ने कौन कौन से विकास कराए हैं और गाँव का क्या माहौल है, जनता चुनाव को लेकर के क्या कह रही है, जनता के मन में क्या है, ये सारी बातें हम आपको सुनाएंगे। आप बने रहिए एईजेड न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं एईजेड न्यूज। आज हम पहुंचे हैं बाराबंकी जनपद के विकास खंड पूरे डलई के अंतर्गत आने वाले चांदा मऊ गांव में। यहां हम जानकारी लेंगे, प्रधानों के कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। ऐसे में गांव का माहौल क्या है, गांव की जनता क्या चाहती है, पिछले साल की तुलना में, पिछली बार की तुलना में इस बार कैसा गांव का माहौल है, जनता किसे प्रधान चुनेगी और जनता जब वोट करने जाएगी तो उसके मन में क्या ख्याल आएगा, क्या विचार आएगा, गांव के कुछ लोग हैं, इनसे जानकारी लेते हैं, दिखाते हैं आपको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललित कुमार यादव है। इसी गाँव के निवासी हैं? जी हाँ। अगर हम आपसे जानकारी लें तो पिछले बार की तुलना में आपकी बार कैसा गांव का माहौल है? पिछली बार की तुलना में इस बार भी गांव का माहौल अच्छा है, क्योंकि गांव का विकास पिछली बार की तुलना में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हुआ। पिछली बार में हमारे गांव में ना नालियाँ बनी थी, ना तो कोई इंटरलॉकिंग रोड थी, ना तो कोई आरसीसी रोड थी, ना तो किसी गरीब की असहाय की मदद की जाती थी, ना किसी को आवास मिला था। जो आवास मिले थे वो भी अनलीगल तरीके से सब उसका पैसा भी इन्वेस्ट कर लिया गया था। जो इस बार में जो बेनिफिट जनता को हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को आवास भी दिया गया, नाली नापदान जितना जो कुछ भी है उसका मरम्मत भी हुआ। अगर आपसे हम पूछें कि आप चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो कितनी बार आपने अभी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? सिर्फ मेरी एज 19 वर्ष है, मैं सिर्फ फर्स्ट बार अपनी मतदान का उपयोग करने जा रहा हूँ, और मैं मतदान का उपयोग उसी करूँगा जो जनता के हित में और ग्राम समाज के विकास में कार्य करेगा, मैं उसी को मतदान दूंगा। शिक्षित भी लोग चुनेंगे? बिल्कुल सर। अगर आपके गाँव में मालूम करें तो कितने प्रत्याशी हैं टोटल? टोटल हमारे ग्राम पंचायत में 3 प्रत्याशी हैं। 3 प्रत्याशी हैं जो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो बात आती है इस पे आती है, यहाँ पर सीट कौन सी हुई है आपकी बार? सीट इस बार यहाँ पे हुई है एससी। एससी हुई है, यानी कि एससी में कोई भी लड़ सकता है, महिला या पुरुष? जी। तो आपकी बार जब आप मताधिकार का प्रयोग करने जाएंगे तो आपके मन में क्या विचार आएगा, हम क्या देख करके, क्या समझ करके वोट करें? जी सर, मैं तो यही सोचता हूँ कि वोट उसी को दिया जाए, उसी को बनाया जाएगा प्रधान, जो जनता की दर्द को समझ सके, ग्राम समाज के विकास को समझ सके, वो जमीनी नेता हो जो उठा हो और उठ के लोगों के दर्द को समझे, लोगों की आवाज़ को सुने और ग्राम का विकास करना चाहे, उसी को हम लोग वोट देना चाहेंगे। हमारे साथ दादाजी हैं गाँव में, हम दादाजी से जानते हैं कि माहौल क्या है गाँव का। दादाजी, माहौल क्या है गाँव का? माहौल गाँव का बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हाँ। अगर पिछली बार देखा जाए तो इस बार कितने लोग फाइट में आ रहे हैं? बहुत लोग आ रहे हैं, ये सब देख के बहुत नाला नर्दहा सब बनवा दी प्रधान की। हाँ, बहुत जोर से मनी है, यानी कि गांव में विकास हुआ है। हाँ, विकास बहुत हुआ, बहुत है। अगर आप वोट डालने जाएंगे, आप बुजुर्ग हैं, इतनी बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, अब की बार आप क्या नया करने वाले हैं, जब वोट डालने जाएंगे तो आपके मन में कैसा विचार आएगा? जो बढ़िया रहा वो बढ़िया रहेगा, उसी के साथ दिन जाएगा। दादाजी का कहना है कि गांव का माहौल बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है, और चुनाव को लेकर के जो यहां पर प्रधान जी थे उन्होंने बहुत आनन फानन नालियों का निर्माण, इंटरलॉकिंग का निर्माण, खरंजे का निर्माण बहुत ज़बरदस्त तरीके से करवा दिया है। दूसरे दादाजी हैं हमारी, ले लें। दादाजी, कैसा माहौल है आपका? माहौल सर ठीक है। माहौल एकदम ठीक है? हाँ। तो अब की बार वोट एकदम झक्कास वोट होगी? झक्कास होगी। तो प्रचार उचार भी जाते हैं आप? हाँ, जाइए प्रचार करने जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अब की बार अगर वोट आप डालने जाएंगे हाँ। तो क्या विचार आएगा मन में कि किसको हम प्रधान चुने, जो पढ़ा लिखा शिक्षित हो या फिर जो विकास करे, कैसा प्रधान चुनेंगे? भाई साहब, देखो यकीन है ठीक ठीक देना वही है काय का है। दादाजी का भी यही कहना है कि जो विकास करे प्रधान हम उसे चुनेंगे, जो जनता का सहयोग करे प्रधान हम उसे चुनेंगे, जो पढ़ा लिखा शिक्षित हो प्रधान हम उसे चुनेंगे। दादी जी, हम आपसे मालूम करेंगे
कि इस गांव में कैसा माहौल चल रहा, प्रधानी का कैसा माहौल चल रहा है? अभी सब भैया हमका ना पता, पढ़े नहीं बता। नहीं, आप महिलाएं हैं, सरकार महिलाओं के ऊपर जोर देती है कि महिलाएं आगे बढ़ें, इसीलिए सरकार महिला सीट करती है। तो आपको क्या लगता है कि अब हमका अब घर की बात पूछो तो बता सके थे, अब गांव की बात हम कहां बता सके थे। नहीं, अच्छा वोट डालने जाती हैं? हाँ डालने जाती हैं बिल्कुल। तो घर में आपके पति जी कहते हैं उनको वोट देना है, तो उनको वोट आप देती हैं या अपने विचार से वोट करती हैं? नहीं, जो अपने मन में है वो रखा जाता है ना। अच्छा, जो मन है। हाँ अच्छा, अपने मन से वोट देती हैं आप। अच्छा, तो आपको हम अगर पूछें आपसे, तो अब की बार आप वोट डालने जाएंगी तो कैसा प्रधान चुनेंगी? जौन है अपने, जौन देखा जाए गांव देश का जितावा जाए, उनका जौन हमारे लोग हुआ करे, कोनो दुख मुसीबत पड़े तो खड़े हो। हमारे साथ दादी जी थी गांव की, इनका भी यही कहना है कि जो गांव का विकास करे, अपनी मुसीबत खड़ा हो, उसको हम वोट करेंगे। आज हम चांदामऊ में हैं, यहाँ पर दादाजी हैं हमारे साथ, इनसे पूछेंगे। दादाजी नाम क्या है आपका? अगर हम गांव के माहौल के बारे में चर्चा करें आपसे, तो कैसा गांव का माहौल है? माहौल बढ़िया, अच्छा है। पिछली बार की तुलना में अब की बार क्या कुछ नया अलग है कि सिंबल वही है? अच्छा, सीट चेंज हो गई है। तो अगर हम पूछें, आप मताधिकार का अपने प्रयोग करते हैं, कई बार आपने वोट डाला होगा, कई बार आपने उतार चढ़ाव देखा होगा, माहौल देखा होगा, तो अब की बार कैसा माहौल है? ठीक है, वही माहौल, वही माहौल बढ़िया है। अगर आप वोट डालने जाते हैं तो आपके मन में क्या विचार होता है कि हम प्रधान किसे चुने? जीता चुने खुद वही चुनेगा। नहीं, आपके मन में विचार क्या आएगा, मैं कैसा प्रधान चुनूं अपने गाँव में, किस तरह का प्रधान चुनूं? जो अच्छा हो उसका चुनेगा, जो अच्छा हो। यहाँ पर दादाजी हैं हमारे, इनसे मैंने बात की। आज चांदामऊ का हाल हम दिखा रहे हैं, माहौल कैसा है, मैं कहना है जो प्रधान अच्छा होगा, गांव का विकास करेगा, उसको हम प्रधान चुनेंगे। नाम क्या है आपका? दायोती। ये बताओ, ये शौचालय बना हुआ है सरकार की तरफ से, बनवाया गया था, इसको आप प्रयोग नहीं करते? अभी मां कैसे प्रयोग करें, मुहारे सामने कैसे करें? तो ये बनवाया तो आप ही नहीं होगा? बनवाया तो है। तो फिर आपको ऐसी जगह बनाना चाहिए था जहाँ पर इसका उपयोग किया जा सके। इतना स्वच्छ भारत अभियान पर जोर दिया जा रहा है और आपके शौचालय में कंडे भरे हुए हैं, तो का कीन जाए? जो भी मां कोई सामान नहीं है तो का कीन जाए, पल्ला वल्ला है ये नहीं, का ऐसे बैठा जाए? तो वो आपका अधिकार होता था, सरकार ने 12,000 रुपये दिए होंगे आपको बनवाने के लिए, तो का बार बार कोई वो करी, एक बार दे दी से जो कोई, लेकिन तब भी आप इस्तेमाल नहीं करती? अब इस्तेमाल कंडा भरी तो है। अच्छा, अब आपके गाँव की बात कर लें, तो आपका घर यही है जो पीछे हम देख रहे हैं? हाँ हाँ यही है। आवास मिला आपको? नहीं मिला? अभी नहीं। कच्चा घर बना हुआ है, आवास नहीं मिला? अभी नहीं। जो मौजूदा प्रधान थे उनसे आपने कहा? अरे कहा गवाह हम लोग बताए नहीं कि आ जाइए। अच्छा, यानी कि 5 साल हो गया और चुनाव दोबारा आ रहा है लेकिन आपका आवास नहीं? चुनाव बाद में सुनवाई है, पता नहीं भाई। अच्छा, तो अगर आप देखें माहौल, देखें गाँव का, अगर आप गाँव की बात करें तो कैसा माहौल चल रहा है गाँव में? गांव तो घूमे जाते नहीं है। आप महिला हो? पे तो रही थे हम, और खेते पाते नहीं थे हम, गांव में घूमे तो जाते नहीं है। हाँ, और बाहर का हम जाते नहीं, अब हम कहा जाने का कौन माहौल की के लगे का है। अच्छा, हाँ तो आप घर ही में रहती हैं? घर में रहती हूँ, खेते पाते जाते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए? अरे तो चाहिए तो है।